Hello everyone, welcome to my channel The HM Music and this is Honey Mahajan. This is my 12th lesson on Indian Classical Vocal Music Series. जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पे आपको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक तीनों स्ट्रीम्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. उनमें जो बारीकी हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनको बताने की आपको ट्राई कर रहा हूँ. तो इसी सीरीज़ में मैंने आपको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की थ्योरी के बारे में बताया और साथ ही में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में क्या डिफरेंस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं इसके बारे में भी बताया और जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि म्यूज़िक में ऑक्टेव क्या होता है और ऑक्टेव का क्या यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बताया. ये सभी वीडियोज़ मैं पीछे कवर कर चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उनको जाके देखिए. उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. 11th ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक में स्केल किसको कहते हैं, स्केल का यूज़ क्यों होता है और स्केल कितने प्रकार के हैं. और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कारगर फॉर्मूला जो कि स्केल को फाइंड आउट करने का बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है. स्केल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला समझने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोन किसको कहते हैं, सेमीटोन क्या होता है, म्यूज़िक में टोन और सेमीटोन का क्या मतलब है. तो ये सब समझने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको स्केल का पूरा फंडा समझ आए कि म्यूज़िक में स्केल किसको कहते हैं और उसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है. चलिए तो स्केल को समझते हैं. इसको समझने के लिए हमें हारमोनियम की ज़रूरत पड़ेगी. चलिए तो देखते हैं. तो स्केल को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि संगीत में टोन क्या होती है और सेमीटोन क्या होता है. जैसा कि आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है वन स्वर इज इक्वल्स टू वन टोन. इससे क्या मतलब समझ आता है कि एक स्वर जो है वो एक टोन कहलाता है. भारतीय संगीत में जिसे स्वर कहा जाता है पाश्चात्य संगीत में उसको टोन कहा जाता है. इन सिंपल वर्ड्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हम स्वर कहते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक में हम इसको टोन का नाम देते हैं. जैसे कि सा ये एक स्वर है, यही एक टोन है. रे ये एक स्वर है, यही एक टोन है. जैसा सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रे ऋषभ स्वर इज इक्वल्स टू वन टोन. अब सेकेंड थिंग कि सेमीटोन किसको कहते हैं. वन कोमल स्वर इज इक्वल्स टू वन हाफ टोन और वन सेमीटोन. फॉर एग्जाम्पल कोमल रे कोमल ऋषभ इज इक्वल्स टू वन हाफ टोन और वन सेमीटोन. हाफ टोन और सेमीटोन बोथ आर द सेम थिंग्स. जैसे एक शुद्ध रूप है स्वर का, ऋषभ शुद्ध है. जब ये कुछ श्रुतियाँ नीचे उतरता है अपने स्वर से, अपनी पोजीशन से, अपनी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ये कुछ श्रुतियाँ नीचे उतरता है तो ये कोमल रूप ले लेता है. मतलब जो इसकी पर्टिकुलर फुल रूप है जो इसका स्वर का वो उसको हाफ कर देता है, इसलिए इसको हाफ टोन कहा जाता है या सेमी टोन कहा जाता है. अब ये जो टोन है इसको फुल टोन भी कहा जाता है और हाफ टोन को हाफ टोन या सेमी टोन कहा जाता है. आई होप आपको टोन और सेमीटोन का डिफरेंस पता चल गया होगा. सिंपल वर्ड्स में आप याद रखें जो एक शुद्ध स्वर है वो एक फुल टोन कहलाएगा और जो एक कोमल स्वर है मीन्स जो शुद्ध स्वर है वो अपनी जगह से नीचे उतरता है, मतलब कुछ श्रुतियाँ नीचे उतरता है तो वो कोमल रूप धारण कर लेता है, इसको सेमीटोन या हाफ टोन कहते हैं. अभी जैसे कि हमें ये पता चल गया कि टोन और सेमीटोन क्या होता है तो आगे हम देखते हैं कि स्केल फाइंड आउट करने में ये टोन और सेमीटोन हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी शार्प ये स्वर कौन से हैं, इनकी पोजीशन क्या है. अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाके आप देखिए. तो ये है हमारा सी स्वर, सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी एंड फिर से सी. तो ये टोटल मिलके बन गए 12 स्वर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है. तो ये जो है एक सप्तक बन गया, एक स्केल बन गया. ये जो 12 स्वरों का
स्केल बना है, ये टोटल बना है इक्वली टेम्पर्ड स्केल, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाके देखिए। तो ये बन गया हमारा इक्वली टेम्पर्ड स्केल, जिसमें कि 12 के 12 स्वर यूज़ होते हैं। और ये जो स्केल है ये वेस्टर्न म्यूज़िक में यूज़ किया जाता है। अब बात आती है मेजर स्केल और माइनर स्केल की। इन दोनों स्केल्स में 7-7 स्वर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा सी, तो यहाँ से अगर हमने स्केल बनाना है तो वो कैसे बनेगा देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया हमारा सी मेजर स्केल। अब अगर कोई व्यक्ति इस स्केल से गाता है, उसकी रेंज ये है, तो फिर तो आप ये प्ले करके आप गा सकते हैं बड़े आराम से। अगर मान लो वो व्यक्ति डी से गाता है या डी शार्प से गाता है, तो अगर वहाँ से स्केल बनाना हो तो कैसे बनाओगे आप, वो दिक्कत आती है। जैसे ये हो गया हमारा डी शार्प, यहाँ से अगर स्केल बनाना है तो कैसे बनेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्केल बना। अब यही जो स्केल हम चाहे तो इसको सी से बना लें, सी शार्प से बना लें, डी से, डी शार्प से, ई से, एफ़ से, एफ शार्प से, कहीं से भी बना लें, ये स्केल बन जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको कोई नहीं बताता, वो मैं आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। तो अगर हमने मेजर स्केल बनाना है, फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। तो मेजर स्केल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखिए, अगर हमने सा से रे पर जाना है तो उसमें हम फुल टोन स्टेप का यूज़ करते हैं, फिर रे से गा फुल टोन स्टेप, फिर गा से मा हाफ टोन स्टेप, माँ से पा फुल टोन स्टेप, पा से धा फुल टोन स्टेप, धा से नी फुल टोन स्टेप, और नी से तार सा हाफ टोन स्टेप। अब ये फुल टोन हाफ टोन क्या है, इसको भी ज़रा हम हारमोनियम पे देखें। जैसा मैंने आपको बताया मेजर स्केल में 7 स्वर यूज़ होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि फुल टोन क्या होता है और हाफ टोन क्या होता है। जैसे ये सी शार्प है, इसको हमने सा माना, तो फुल टोन क्या होगा, फुल टोन होगा ये, मींस एक टोन छोड़ के नेक्स्ट टोन, एक स्वर छोड़ के नेक्स्ट टोन, उसको बोलते हैं फुल टोन स्टेप। मतलब एक टोन से डायरेक्ट नेक्स्ट टोन पे गए हैं हम, बीच वाला जो सेमी टोन है उसको छोड़ गए हैं। ये सा है, ये रे है, सा रे, ये होगा शुद्ध रे, तो जो सेमी टोन होगी वो होगी कोमल रे, सा रे। मैंने जो पहले आपको बताया था फुल टोन मीन्स शुद्ध स्वर, सेमी टोन मीन्स कोमल स्वर, तो आ गई वही बात, ये हो गया सा शुद्ध रे, फुल टोन स्टेप, हाफ टोन स्टेप इज कोमल रे। नेक्स्ट देखते हैं सा रे गा, अब ये देखिए मैंने आपको बताया था सा रे गा, ये भी फुल टोन है, तो ये जो हाफ टोन है सेमी टोन है ये होगा कोमल गा, सा रे गा। जैसा कि आपको ऊपर ग्राफ में भी दिख रहा होगा सा रे गा, अब सा से रे फुल टोन स्टेप, रे से गा फुल टोन स्टेप, अब गा से मा हमने जाना है तो हाफ टोन गा मा, मा पा, मा से पा फुल टोन, पा से धा फिर फुल टोन, अगर हम पा से धा हाफ टोन लेते हैं तो वो होगा धा कोमल फुल टोन, धा से नी फिर से फुल टोन, नी से सा हाफ टोन। जैसा कि आपको अब पता चल गया होगा, ऊपर ग्राफ में भी दिख रहा है आपको, अपना फॉर्मूला भी दिख रहा है, सामने आपको की भी दिख रही है, एक स्वर से एक छोड़ के नेक्स्ट स्वर पर जाना इसको बोलते हैं फुल टोन, एक स्वर से नेक्स्ट वाले स्वर पे आना है इसको बोलते हैं हाफ टोन। आई होप आपको फुल टोन हाफ टोन का पता चल गया होगा और फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर। तो इसका फॉर्मूला बन गया एफ एफ एच, इसको याद रखने का तरीका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
माइनर स्केल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनर स्केल में गा, धा और नी स्वर कॉमन यूज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सा से रे पर जाने के लिए फुल टोन स्टेप, अब रे से गा पर आने के लिए हाफ टोन स्टेप, गा से मा पर जाने के लिए फुल टोन स्टेप, मा से पा फुल टोन स्टेप, पा से कोमल धा हाफ टोन स्टेप, कोमल धा से कोमल नी फुल टोन स्टेप, अब कोमल नी से तार सा फुल टोन स्टेप। इसको देखते हैं हारमोनियम पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनर स्केल में गा धा नी स्वर कोमल लगते हैं, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, इसका फॉर्मूला है सा से रे फुल टोन, रे से गा हाफ टोन, गा से मा फुल टोन, मा से पा फुल टोन, पा से धा हाफ टोन, इसमें हम कोमल धा यूज कर रहे हैं तो हाफ टोन, अब धा से कोमल नी पर जाना है तो वो फुल टोन, कोमल नी यहाँ है तो फुल टोन क्यों हुआ, अब धा कोमल धा से कोमल नी पर गए हैं फुल टोन क्यों हुआ, क्योंकि बीच में एक सेमी टोन आ रहा है जिसको हमने स्किप किया है। कोमल धा से कोमल नी फुल टोन स्टेप, उसके बाद कोमल नी से तार सा पर भी फुल टोन, क्योंकि यहाँ पे भी एक की आ रही है उसको हमने स्किप किया है, इसलिए ये फुल टोन स्टेप बना, ये भी फुल टोन स्टेप बना। तो अगर ये तो हमने किया सी शार्प से प्ले, अगर हमने यही दो फॉर्मूले मान लीजिए किसी और की से प्ले करने हों, मान लीजिए हमने इसको डी से प्ले करना है, तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं मेजर स्केल। सा रे गा मा पा धा नी सा, बहुत इजी था, हमें फॉर्मूला पता है, सा से रे फुल टोन, रे से गा फुल टोन, गा से मा हाफ टोन, मा से पा फुल टोन, पा से धा फुल टोन, धा से नी फुल टोन, नी से सा हाफ टोन। ये था मेजर का फॉर्मूला और हमने डी से स्केल फाइंड आउट कर लिया। अगर हमने माइनर स्केल फाइंड आउट करना हो डी शार्प से, तो देखिए कैसे बनेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, बहुत इजी था, हमें फॉर्मूला पता है तो उसी हिसाब से, जैसे सा से रे फुल टोन, रे से कोमल गा हाफ टोन, कोमल गा से मा फुल टोन, मा से पा फुल टोन, पा से कोमल धा हाफ टोन, कोमल धा से कोमल नी फुल टोन, कोमल नी से तार सा फुल टोन। इस तरह से हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो आज हमने दोनों फॉर्मूले फाइंड आउट किए और उनको मैंने आपको बताया। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्केल को फाइंड आउट करने के दो बेस्ट फॉर्मूले क्या हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो आपने फॉर्मूले आज याद कर लिए हैं, आपको पता चल गया है, ये आपकी पूरी लाइफ की एक पूंजी बन गई है, आपको ये कभी भूल नहीं सकते। सो आई होप कि आपको मेरी नॉलेज बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा काम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि और भी जो संगीत सीखने के संगीतज्ञ हैं, जिज्ञासु हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, उनको ये मौका घर बैठे ही बड़े आराम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।